ये जो स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक की वजह से पेट्रोल कहीं भी नहीं मिल रहा है, सब जगह पूरी रस्ती, तो पेट्रोल खलास हो गया है। अगर और मालिक कह रहे हैं कि कल तक आ जाएगा पेट्रोल, सब जगह मिल जाएगा, तो हम ये रखते हैं उम्मीद कि कल तक आ जाएगा और ये लेवल सामान्य हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। कहीं भी नहीं है पेट्रोल, सुबह बहुत रश थी तो सब जगह रश ज़्यादा लग रही है, तो पेट्रोल खाली हो रहा है सब जगह, लेकिन है कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसे सिर्फ मानते हैं। कारण जो स्ट्राइक चल रही है डीए मोटर वाहनों की, जो नया कानून हुआ उसकी वजह से सब जगह पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खाली है। ऐसे मैं आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आया, सुबह को भी लौट के आया, तीन नंबर उल्लासनगर तीन पे 17 सेक्शन पे सुबह को भी आया तो बहुत भीड़ थी, 100 से ऊपर आदमी खड़े थे। क्या कारण है पेट्रोल पंप? बोलते हैं स्ट्राइक है, कुछ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, उनके लिए कुछ नया कायदा लगा है जो उनको मंजूर नहीं है ट्रांसपोर्ट पेट्रोल। अभी पेट्रोल कैसे, हम दुकान वकान पर कैसे जाएगा? कोई पेट्रोल भरने के लिए 17 सेक्शन पे गया, हाँ, और पवाई पे गया, और इधर काका का दावा शांति नगर गया, उधर भी नहीं मिला। ये बहुत तकलीफ़ है, बहुत। आप अभी जो सरकार को क्या कहना चाहते हैं पेट्रोल? उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मेहरबानी करके कुछ इनका अरेंजमेंट करें, नहीं तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी और हर चीज़ का भाव बढ़ के जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।